खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। हुए अब हमारा पूरा माननीय मंत्रीगण सारे कैबिनेट के इस वीसी में शामिल हैं, लेकिन इन चार विषयों से जुड़े हुए छह हमारे मंत्रीगण हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री सचिन पायलट साहब को, माननीय उप मुख्यमंत्री, नरेगा के बारे में, उनके विचार के बारे में। उप मुख्यमंत्री जी, आप सभी को नमस्कार। प्रेजेंटेशन में सारे आंकड़े आपको बताए ACS जी ने। दो तीन इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ हमें फोकस करने चाहिए। पहला तो जो समय था उसका हमने चेंज किया है, सुबह 6 बजे से 1 बजे तक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों से मांग आई कि बहुत रेड अलर्ट जारी किया है कई जिलों के अंदर, इसको हम कैसे और समय को कम कर सकते हैं। तो इस विषय को लेकर मैंने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि अगर हमें अनुमति दें टास्क कम कर वो बजाय 1 के या 11-12 बजे तक कर दें तो थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस गर्मी में कोई अप्रिय घटना फील्ड में किसी के साथ हो जाए। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने भी हम सब ने मांग रखी थी कि नरेगा की जो काम 100 दिन की लिमिट है उसको इंक्रीज करके 200 दिन हम लोग करें, ये भी भारत सरकार से मांग रखी है। और नरेगा में जो वृद्धि हुई है, आप सभी जानते हैं कि आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जो नरेगा के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और ये आंकड़ा बहुत जल्द हम लोग हासिल कर पाए क्योंकि धरातल पर बहुत प्रभावी ढंग से विभाग में लोगों ने मिलकर काम किया है। और अभी जो लोग वापस आ रहे हैं जो क्वारंटाइन में हैं 14 दिन, उनका जो 14 दिन का समय है वो जॉब कार्ड साथ साथ उनका बन जाए ताकि वो क्वारंटाइन आने के बाद अपना समय ज़ाया ना करें, इस पर भी मैंने विभाग को कहा है। नरेगा से बहुत ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का मौका लोगों को मिल रहा है, लोगों के हाथों पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ सकती है। और राजस्थान के लिए क्योंकि हमारा अनुभव पहले भी अच्छा रहा नरेगा में, इस बार भी लाखों लोग और लाखों परिवार इससे फ़ायदा ले रहे हैं। अच्छी बात ये भी है कि 83% जो काम हो रहा है, 83% काम वो इंडिविजुअल वर्क्स हो रहे हैं, तो लोग अपना भवन का निर्माण कर रहे हैं, शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत काम करने में लोगों को रुचि भी रहती है, अपना काम भी उनका हो रहा है, वो मन से काम भी कर रहे हैं, उसको अपना पैसा भी मिल रहा है। और 99.8% जो उनका भुगतान है पैसे का वो भी समय पर हो रहा है, क्योंकि श्रमिक को समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो इस गंभीर हालात में वो अपना पालन पोषण नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से जीवनदान साबित हो रहा है ये नरेगा का कार्यक्रम, और विभाग ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। और 17 अप्रैल को जब हमने लॉकडाउन के समय पूछा था कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम सिर्फ 62,000 लोग काम कर रहे थे, तो आज ये लगभग 42-47 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो लगातार वृद्धि हो रही है। जो अप्रवासी आ रहे हैं उनके लिए जॉब कार्ड बनाने के लिए जो पहले प्रमाण पत्र की ज़रूरत थी उसको हमने सरल कर दिया कि सिर्फ अपना आप सेल्फ अटेस्टेड चिट्ठी लिख देंगे, उसी को प्रमाण पत्र मान के उसका जॉब कार्ड बना रहे हैं, तो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जॉब कार्ड के अंदर भी। नरेगा का और रूरल डेवलपमेंट का मुझे लगता है कि इस गर्मी में कोरोना वायरस के अंदर भी लोगों को काफ़ी संतोष है। और लेकिन अभी आने वाला जो महीना है जून का, लॉकडाउन खुलेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा और सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जब एक बार बाहर निकलेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के संवाद छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।